बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद सुदामा चरित पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है और हमें जो है इसको लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसमें इसका वर्णन है। तो पत्र लेखन जो है वो एक कला है और यह संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है, सरल साधन है। इसके माध्यम से हम दूर बैठे अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों को उनके विचारों का आदान प्रदान बड़ी सरलता से कर सकते हैं। विभिन्न कार्यालयों, संस्थानों आदि में भी पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र द्वारा पाठक पर लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, अतः पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार न हो और अपनी बात संक्षेप में कही गई हो, और पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि पत्र पढ़कर पाठक की जिज्ञासा शांत हो सके। और जिस व्यक्ति को पत्र लिखा गया हो और जिस उसके लिए उचित अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। लेख सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए और पत्र में लिखने वाले का पूरा पता तथा दिनांक स्पष्ट एवं उपयुक्त स्थान पर लिखा जाना चाहिए। उपयुक्त यानी कि जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर। तो पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो इसमें जो है मुख्य रूप से पत्र अनेक होते हैं, विभिन्न संदर्भ, विभिन्न व्यक्ति और स्थिति के अनुसार जो है पत्र लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र जिसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों में वे पत्र आते हैं जो परिवार के लोगों, निकट संबंधियों या मित्रों को लिखे जाते हैं, और औपचारिक पत्र यानी कि कार्यालयी पत्र। औपचारिक पत्रों में वे पत्र आते हैं जिन्हें उन लोगों के को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या संबंध नहीं होता। ऐसे पत्र प्रधानाचार्य, संपादक या किसी विभाग से संबंधित अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं। पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे पता और दिनांक, पत्र पाने वाले का संबोधन तथा अभिवादन और विषय वस्तु, और इसके बाद जो है पत्र की समाप्ति, लिखने वाले का नाम व पता आदि। पता और दिनांक पत्र के बाईं ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तिथि दी जाती है। संबोधन और अभिवादन। पत्र लिखना शुरू करते समय उस व्यक्ति के लिए जिसे पत्र लिखा जा रहा है हम संबोधन शब्द प्रयुक्त करते हैं। औपचारिक पत्र में मान्यवर, महोदय, महोदया, श्रीमती, सुश्री, श्री वर्मा आदि का प्रयोग करते हैं। अपने से बड़ों के लिए पूज्य, पूज्यनीय, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, माननीय आदि सम्मानजनक, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अपने से छोटों व बराबर वालों के लिए प्रिय, प्रियवर, मित्र, चिरंजीव आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम आदि अभिवादन करते हैं। अपने से छोटों के लिए आशीर्वाद, स्नेह, सुभाषित, चिरंजीवी हो और खुश रहो, सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो, तो इस तरह का जो है शुभ चिंतन वाले शब्दों को किया जाता है। और पत्र की विषय वस्तु। पत्र के माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं वही विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु को अनुच्छेदों में बांटकर स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। और पत्र की समाप्ति। पत्र के अंत में हस्ताक्षर तथा नाम होना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में तुम्हारा, आपका, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, तुम्हारा, शुभ चिंतक आदि लिखा जाता है, और औपचारिक पत्रों में भवदीय, शुभेक्षु आदि। तो यहाँ पे हम लोग एक पत्र लिखेंगे जिसमें कि प्रधानाचार्य को अपनी प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आज हम लोग इस पर लिखेंगे अपनी
प्रश्न है, अपनी प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए अपनी प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल एक सीध में लेफ्ट साइड में लिखना है और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य यहाँ पर नाम न लिखकर जो भी विद्यालय का नाम है वो लिखना चाहिए। यहाँ पे हम लोग केवल आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी अब यहाँ पर एक लाइन हम लोग छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे विषय लिखना है, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है तो इसमें विषय लिखा जाता है। फीस माफ करने हेतु, फीस माफ करने हेतु, फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन, सिर्फ बस ये इसी जगह पे दो लाइन छोड़ना है, एक यहाँ पे विषय से पहले और विषय के बाद में, और कहीं भी कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है अंत तक, तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग महोदया संबोधन लिखेंगे। महोदया सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की आठवीं कक्षा की छात्रा हूँ। आठवीं अ, यहाँ पे सेक्शन भी लिख सकते हैं। कक्षा की छात्रा हूँ। सातवीं कक्षा में सर्वप्रथम रही हूँ। गत वर्ष निबंध प्रतियोगिता में भी निबंध प्रतियोगिता में भी मैंने पुरस्कार जीता था। मैंने
पुरस्कार जीता था। पूज्य पिताजी की नौकरी पूज्य पिताजी की नौकरी फॉर्म बंद हो जाने से चली गई। अब आजीविका का साधन मात्र माता जी की सिलाई रह गई है। इसके बाद की लाइन हम लोग ऊपर से लिखेंगे, ठीक इसी के आगे से। तो अब हम लोग यहाँ पर ये पूरी एक लाइन से लेफ्ट साइड से लिखना है, बाईं तरफ से लिखना है, केवल एक जगह यहाँ पे दो जगह छोड़ना है लाइन। और अब इसके ऊपर हम लोग इसके आगे की लाइन लिखेंगे, इसके आगे लिखना है, ऐसी स्थिति में पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई के भार को पढ़ाई लिखाई के भार को उठाने में असमर्थ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी पारिवारिक स्थिति को मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए आप मेरी फीस माफ करने की
कृपा करें माफ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपना अध्ययन जिससे मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूं। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा आठवीं अ तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग एक औपचारिक पत्र लिखे और इसमें जो है हम लोगों ने एक पत्र को किया। इसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में सुदामा चरित पाठ को पढ़े थे, तो उसके पहले प्रश्न के बाद के प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सुदामा चरित पाठ के दूसरे प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे सुदामा चरित पाठ 12 और कविता से का प्रश्न 2 हम लोग करेंगे। कविता से के हेडिंग के अंतर्गत प्रश्न 2 का उत्तर। तो यहाँ पर है उपरोक्त पंक्ति का भावार्थ यह है कि भावार्थ यह है कि कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। अपने मित्र की ऐसी दयनीय दशा देखकर अपने मित्र की ऐसी दयनीय दशा
देखकर कृष्ण बहुत दुखी हुए। देखकर कृष्ण बहुत दुखी हुए। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनके उनके उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी आंखों से बहुत आंसू निकलने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। और इसी अश्रुधारा से उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। और परात में रखे हुए पानी को छुआ तक नहीं उन्होंने परात में रखे हुए पानी को छुआ तक नहीं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इस तरह से इसमें जो है ये भाव वर्णित है दोनों मित्रों का। दोनों में इतनी मित्रता थी कि बहुत वर्षों बाद मिलने पर वे जो है इतने भावुक हो जाते हैं, उनकी दशा को देख के इतने दुखी हो जाते हैं कि वो जो है उनकी आंखों से, कृष्ण भगवान की आंखों से अपने बचपन के मित्र की इस दशा को देखकर इतने वो दुखी होते हैं कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो उसी से अपने मित्र के पैरों को धो देते हैं। तीसरा है, चोरी की बात में हो जो प्रवीण, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है और इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो इसमें दो प्रश्न है तीसरे में। तो पहले तीसरे के क का हम लोग करेंगे, उत्तर तीन का क। तो पहले हम लोग क का करेंगे। तो उपर्युक्त पंक्ति कृष्ण अपने बचपन के साथी सुदामा से कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो तीसरे का अब हम लोग ख यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर तीन का यहाँ पे ख हम लोग करेंगे कि सुदामा की पत्नी ने
तीसरे के ख में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तीसरे के ख में सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को, सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को देने के लिए, कृष्ण को देने के लिए चावल दिए थे, चावल दिए थे। कृष्ण का राजसी, कृष्ण का राजसी ठाठ बाट देखकर सुदामा संकोचवश, सुदामा संकोचवश उन्हें देने की हिम्मत, उन्हें देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। नहीं जुटा पाते हैं वह उस चावल की पोटली को, वह उस चावल की पोटली को, वह उस चावल की पोटली को छिपाने का, इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चावल की पोटली को छिपाने का, चावल की पोटली को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तब कृष्ण ने कहा कि, तब कृष्ण ने कहा कि तुम चोरी की कला में, तुम चोरी की कला में बचपन से ही, बचपन से ही प्रवीण हो। तो इस तरह से यहाँ पे चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, प्रवीणे कहा गया है प्रवीण होने को, यानी कि उस कला में निपुण होना। और इसीलिए कृष्ण जो है ये कहते हैं। और अब है इसमें ग, इसी पर आधारित प्रश्न है कि इस उपालम्ब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो इस उपालम्ब के पीछे जो कथा है उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये इसका ख का ऊपर का ये शेष भाग है, तो यहाँ तक लिखने के बाद फिर यहाँ से ऊपर की लाइन को लिखना है, तब इसका उत्तर पूरा होगा जो ये वाला प्रश्न है तीसरे का ख। तो अब हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न इसी का ग है, उत्तर तीन का ग। इस बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ, बचपन में यहाँ पर हम लोग करेंगे, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ रहते थे, तब हम लोग वो दोनों जो है, ये उत्तर तीन का ग था, और इसे हम लोग
अगले वीडियो में करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।